क्या नाम है सर इसका? रुस्तम। रुस्तम। एज? 5 months। 5 months। हाँ जी सिंह साहब, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनजोत सिंह मिन्हास। कहाँ से सर आप? ड्रोली खुर्द गांव है, यहाँ एफओ स्टेशन आदमपुर के पास है। ओके, और मैडम आपका नाम? सतवीर कौर मिन्हास। ओके जी, मैडम वीडियो में आना नहीं चाहते है ना? चलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये है डॉग का दांत और ये है रुस्तम का। और सर जब आपने देखा आज, क्या फील किया आपको? काफ़ी घबरा गया था मैं तो उस टाइम पे, जब मेरी कज़न ने आके मुझे बताया कि उसका दांत टूट गया है। क्योंकि इसको एक दो बारी पहले किसी ने नोटिस किया था, मेरी कज़न ने शायद, कि ये जो ईंट पत्थर होते हैं ना छत पे रखे हुए, उनके साथ ही खेल रहा था, उठा उठा के उनको कभी इधर फेंके कभी उधर। तो हमें लगा कि शायद उसकी वजह से इसका दांत डैमेज हो गया और टूट गया है। और फिर मैंने एकदम से इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या उसकी रेमेडीज़ होती हैं, तो वो कहते हैं जी इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दांत अंदर से गम्स जो हैं वो सड़ जाएंगे, जो जबड़ा है वो सड़ जाएगा, तो फॉरेन वेट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। और वो तो डेंटिस्ट के भी उन्होंने लिंक दिए हुए थे, ये डेंटिस्ट को दिखाइए वो दिखाइए। तो मैंने फिर आपको मैसेज किया कि चेकअप के लिए आना, मैंने बताया तो नहीं कि दांत टूटा हुआ, मैंने कहा रेगुलर चेकअप कब आए, तो फिर आपने कहा कि आ जाइए, अभी आपको दिखाया है तो आप कह रहे हैं कि फ्रेंड्स मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। पहले भी हमारे वीडियोस हैं इस टॉपिक के ऊपर कि डॉग के भी इंसानों के बच्चों की तरह दांत टूटकर दोबारा आते हैं। यस, दोबारा आते हैं, सेम लाइक के इंसानों का भी। अभी रुस्तम की जो एज है 5 months, सर ने बताई मोस्टली जो डॉग के दांत टूटने का और नए आने का प्रोसेस होता है, यही पीरियड होता है 4 से लेकर 6 महीने के बिटवीन। जैसे ही डॉग के जो बाल होते हैं, वो चाहे कोई ब्रीड हो, जब हम पहले बाल होते हैं बेबी कोट कहते हैं ना उनको, छोटे वो बालों इतने ज़्यादा अहमियत नहीं होती। उसके बाद जो 3rd महीने के आसपास जाकर उनके पुराने बाल जाते हैं, नए बाल आते हैं ना, इसी तरह डॉग का एक और नेचुरली कह लो प्रोसेस है कि डॉग के भी दूध वाले दांत होते हैं और वो टूटते हैं और दोबारा आते हैं, और इनका टाइम होता है 4 से लेकर 6 महीने के बिटवीन। तो दांत टूटना, हाँ हो सकता है डॉग को एक थोड़ा खाने में दिक्कत हो या थोड़ा पेन फील करे, उसके लिए आप ज़रूर नियरेस्ट वेट के पास जाइए। लेकिन अगर आपका डॉग बिल्कुल नॉर्मल खा रहा है, पी रहा है, नॉर्मल खेल कूद रहा है, तो नॉट टू बी वरी। बट हाँ, एक कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर डॉग ने दांत टूट गया और निगल लिया, उसके अंदर चला गया, तो वो हार्मफुल तो नहीं है? उसमें भी 90% हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि वो भी स्टूल के द्वारा पास आउट हो जाता है, वो घबराइए नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी वरी है, आपका डॉग का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, तो आप डॉक्टर साहब के पास जरूर चेक करवा सकते हैं। मेरे फ्रेंड जब इसको खिलाया तो आपने कहा कि आप थोड़ा टेंशन फ्री हुए कि ऐसे नॉर्मल खाया? खिलाया वैसे तो हल्का फुल्का, क्योंकि इसको आपके पास यहाँ लाना था, पिछली बार जब लेके आए थे तो इसको इमिडिएटली फीड खिला के, इसका खाना जो रेगुलर इसका लंच होता है वो इसको खिला के ले आए थे, तो इसने वॉमिटिंग कर दी। हाँ, वो होता तो है। इस बार फिर हम इसको फिर सिर्फ नॉर्मल दही और उसके साथ थोड़ा सा हमने पानी और दही मिक्स करके थोड़ा सा अलग से दिया, ताकि इसको थोड़ा आसरा रहे, आते जाते इतना ज़्यादा भूख इसको ना लगे। तो वो इसने अच्छा खा लिया, और आने से पहले इसने यूरिनेट कर दिया था, तो वो तो हमें वॉमिटिंग का इशू तो नहीं आया। बट क्योंकि पहले ये कई बारी नखरे करता था दोपहर के टाइम दही खाने में भी, लेकिन इस बार आज इसने रेगुलरली खा लिया, जब से हमने लिवोटॉनिक देना शुरू किया है उसके बाद ये रेगुलरली अच्छा खाने लग गया, बिना नखरे किए जैसे ही ईट कहो तो खाने लग जाता है, जो कमांड्स हमने इसे बेसिक सिखाई हैं। तो आज जब इसने खाया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर दांत वगैरह ज़्यादा डैमेज हो या किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई हो तो कुत्ते कई बार अपना मुंह खोल भी नहीं पाते और चबा भी नहीं पाते और ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, रेगुलर होती रही। हाँ, तो इस केस में कभी नहीं हुआ। तो ये रुस्तम साहब अभी आराम फरमा रहे हैं, इस तरह सोते हैं जब डॉग सारा दिन आराम करता है। तो फ्रेंड घबराइए नहीं, 4 से लेकर 6 महीने के बिटवीन अगर डॉग की एज है, हो सकता है कुछ दिन ऊपर नीचे हो जाए, तो वो नॉर्मल होता है दांत टूटकर दोबारा आना। बट हाँ, अगर डॉग खा पी नहीं रहा, जैसे सर ने कहा कि ब्लीडिंग भी हो रही है कंटिन्यूस, तो फिर आपको नियरेस्ट वेट के पास जाना पाइए। तो नथिंग टू बी वरी अगर डॉग के दांत टूटे हैं, बट एंड देन डॉग नॉर्मल है, खेल कूद रहा है, खा पी रहा है, तो नॉट टू बी वरी, दांत दोबारा वापस आ जाएंगे। अगर उसने दांत निगल भी लिया है तो भी नॉट टू बी वरी, उसके भी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ये ओही ने भोला शोला वाले, भोला शोला जिहड़ा यूट्यूब चैनल है जिते तुसी बहुत सारे डॉग्स देखते हो, तुसी इन्हां तो बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे दरवेश लै सकते हो। मेरे दरवेश भी जिहड़े हैगे ने मैक एंड मैगी, वह भी मैं इन्हां तो ही लै सी, ते अज बहुत जवान होए ने। तुहाडी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, रब तुहानू होर खुशियां दे।
आवर कंपनी नेम इज पोला शोला पेट सर्विसेज एंड फार्म प्राइवेट लिमिटेड एंड वी हैव सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया एंड वी हैव अवर ओन वेबसाइट एंड्रॉइड ऐप आईफोन ऐप एंड वी आर डिलीवरिंग सर्विसेज टू योर होम डेस्टिनेशन। हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए माई फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माई फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर। भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माई फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माई फ्रेंड।